हेलो हाय वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज 26th of December है, मैं अपने होम टाउन हूँ नासिक। 5th of Jan को मेरे कजिन की शादी है एंड मैं उसकी शादी में कुछ अपना एक लुक क्रिएट कर रही थी, कुछ कि मुझे थोड़ा सिंपल सा रखना था अपना लुक, बिकॉज उसकी जो शादी है वो थोड़ा सा सिटी से बाहर है, थोड़ा विलेज साइड आता है वो। तो मुझे था कि मैं बहुत चमचम कपड़े नहीं पहनूं ताकि मैं वहां जाकर गांव वाली ना लगूं, तो मुझे ऐसा डिसेंट सा कुछ सिंपल क्लासी लुक चाहिए था। मैं लहंगा नहीं करना चाहती थी वेयर, बिकॉज लहंगा मैं एक दिन शादी में वेयर करके मेरे पास वैसे ही पड़ा रहेगा। तो मैंने सोचा कि मैं साड़ी वाला लुक क्रिएट करती हूँ, कि वो साड़ी मैं जब शादी में पहन लूंगी वहां पर मेरी पिक्चर्स आ जाएगी और घर पर आने के बाद वो साड़ी मुझे और यूज होगी, रील बनाने के लिए यूज होगी, शॉर्ट्स अपलोड करने के लिए यूज हो जाएगी, लहंगा तो यूज ही नहीं होता। इसलिए मैं साड़ी सर्च कर रही थी फ्लिपकार्ट अमेजोन से, एक साड़ी बहुत अच्छी लगी थी फ्लिपकार्ट पर, जो सैटिन था, प्योर सैटिन, एंड वो 2 कलर की साड़ी थी, मिक्स कलर की साड़ी थी, एंड उसे बहुत सिंपल प्लेन साड़ी थी, कुछ भी वर्क नहीं था, बस उसे एक लेस लगा हुआ था जो मोती का था, प्लेन मोती वाला लेस, एंड मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने वो साड़ी देखकर अपना पूरा लुक इमेजिन कर लिया कि मैं इस पर ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसा करूंगी। एंड जब मैं ऑर्डर कर रही थी गाइस, मैंने सोचा चलो एक बार रिव्यूज चेक करते हैं। जो पिक्चर में साड़ी दिखाई गई थी वो हाफ एंड हाफ थी, जो प्लेट्स आती है हाफ प्लेट्स ऑफ व्हाइट कलर की थी, हाफ वाली प्लेट्स जो कॉपर की, तो किसी ने वेयर कर वो साड़ी की पिक्चर डाली थी, देन वो साड़ी प्लेट्स की यहाँ से हाफ थी, वो पल्लू के यहाँ से थी, एंड वो बहुत ही वियर्ड सा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि अब लुक तो मैंने इस पर ही पूरा सोच रखा है कि मैं बाल ऐसे बनाऊंगी, ज्वेलरी ये पहनूंगी, वो करूंगी, अब मुझे यही चाहिए। फिर मैंने मेरी बहन के साथ डिस्कस किया एंड मैं घर आई हूँ अभी, तो हम गए थे कल मार्केट और मैंने मार्केट से सेम मुझे वही साड़ी बनानी है। ऑफ व्हाइट नहीं लिया मैंने, ये व्हाइट कलर है, तो मैंने ये व्हाइट लिया एंड ये हाफ लिया। अब मैं इसे जोड़कर हाफ एंड हाफ मेरे मेजरमेंट के हिसाब से इसकी साड़ी बनाऊंगी। एंड ये मैंने लिया है 3 मीटर एंड 3 मीटर, ये मुझे 2.5 चाहिए था, बट मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है ताकि मैं इन्हें जब ज्वाइन करूँ पहन के देखूँ तो मुझे जितना कट करना होगा उतना मैं कट कर दूंगी। तो ये मैंने लिया है कुछ 60 रुपीज मीटर लिया है इसका, ये 6 मीटर है मेरे पास। एंड मैंने जो लेस देखी थी उस साड़ी में, तो मैंने ये वाला लेस लिया है इसे लगाने के लिए। ये मुझे 9.5 मीटर है, ये मैंने लिया है 150 रुपीज का। नासिक में बहुत अच्छी मार्केट्स है यहाँ पर, जितनी भी मार्केट्स है, और यहाँ पर बहुत रीजनेबल रेट्स में सारी चीज़ें मिल जाती है। तो मैं ऐसे कुछ चीज़ें करनी होती है मुझे, तो मैं घर आके यहाँ कर लेती हूँ, मुंबई में मैं ऐसी चीज़ें नहीं करती हूँ, वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकती मैं महंगी चीज़ें। तो ये 150 रुपीज़ का मुझे पूरा इतना सारा मिला हुआ है लेस। अब मैं इसे ज्वाइन करूँगी पहले तो हाफ हाफ पार्ट में, एंड देन ये जो लेस है ये पूरी बॉर्डर में लगाऊंगी, पूरी लुक तो मेरी आ ही जाएगी। तो और मुझे ज्वेलरी नहीं मिल रही थी, जो मुझे मोती का चाहिए था, पूरा चोकर चाहिए था एंड टॉप्स चाहिए थे बड़े बड़े वाले, तो बहुत सारे ऑप्शंस कल हमने देखे मार्केट में, बट मुझे जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला। तो मैंने सोचा चलो ये भी बना लेते हैं, ये तो आता ही है, तो मैंने उसके लिए भी ये सामान परचेस किया है। ये मोती है, इतने सारे मोती है जो मैंने लिए है 100 रुपीज के, एंड ये सब उसका धागा वागा जो भी चीज़ें है, ये उसकी वो प्लेट्स है जिसमें 5 लेयर आएंगी, तो ये उसमें आएगा। एंड ये मेरा है इयररिंग्स के लिए, इसे मैं कैनवस पर मोती का पूरा वो बना के इस पर चिपकाऊंगी, एंड देन वो मेरा इयररिंग एंड चोकर सेट बन जाएगा। एंड एज यू नो लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि मेरी जो सिस्टर है वो मेरे सारे ब्लाउज डिजाइन वही करती है, तो अब वो ब्लाउज की तैयारी कर रही है, वो मेरा ब्लाउज अब कटिंग वटिंग चल रहा है, तो वो मेरी ब्लाउज बनाएगी मेरी सिस्टर, एंड मैं ये साड़ी का लेस एंड ज्वाइन करके जो भी डिजाइन है वो करूंगी एंड अपना ज्वेलरी करूंगी। तो ऐसा है ये, चलो बहुत सारी बकबक हो गई, हम काम पे लगते हैं। अब हम सबसे पहले करते हैं साड़ी ज्वाइन एंड लेस लगा लेते हैं, टाटा बाय बाय। ब्लाउज का डिज़ाइन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो मैंने फुल स्लीव्स का ब्लाउज़ कहा है बनाने के लिए, और जो साड़ी पे जो ब्लाउज़ था पिक्चर में वैसा वाला ब्लाउज़ मैं नहीं पहन सकती इतनी ठंड में, तो मेरा ब्लाउज़ फुल स्लीव्स वाला होगा। और ये बहुत ही सीरियस होकर मैं लेस लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी लेस ही नहीं लग रही थी साड़ी में, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे। एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि मैं शॉप में जाकर दूसरी लेस ले रही थी, बट फिर मैंने बहुत सारी लेसेस देखी एंड मुझे लगा कि नहीं यार, मेरा लुक है, मुझे वही क्रिएट करना है। फिर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर करके ये लेस लगा रही थी, एंड ये मैंने साड़ी अब ज्वाइन कर लिए, दो जो कलर थे अलग अलग, बीच में इसे स्टिच कर मैंने मेजरमेंट के हिसाब से ज्वाइन कर लिया। मेरा सबसे ईजिएस्ट पार्ट था ज्वेलरी मेकिंग, क्योंकि मैंने जो मोती लाए थे वो जिस धागे में आए थे मैंने उसी धागे में मेजरमेंट के हिसाब से रखकर उसे हुक्स लगा दिए थे। विद इन 5 और 10 मिनट्स में मेरा चोकर रेडी हो गया था, एंड मुझे ना ये ज्वेलरी मेकिंग एंड आउटफिट्स डिज़ाइन करना, ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत पहले से मैं ये सब करती हूँ। तो मेरे पास मशीन भी था, कपड़े वाला जो सिलाई मशीन आती है वो मेरे पास था, 2007-08 से मैंने लिया हुआ था, और मैं बहुत सारे कपड़े स्टिच किया करती थी, नॉर्मल कपड़े नहीं करती थी मैं, बस वो अवार्ड फंक्शंस देख देख के मैं थोड़ा डिज़ाइन करती थी एंड वैसे वैसे बनाती थी। मैंने बहुत सारे कपड़े सेल भी किए थे,
ये सब तो पहले की बात हो गई जब ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, फिर बीच में मैंने सब कुछ बंद कर दिया था। कभी कभी मन में आता था तो मैं ऐसे ही कुछ बनाते बैठती थी घर में, तो अब तो मैंने सोचा कि चलो सोशल मीडिया भी है, अगर मैं कुछ बनाती हूँ तो मैं इसे कैप्चर करके अपलोड भी कर सकती हूँ। ये जो पैच है मुझे इसकी साइज का इयररिंग चाहिए, तो मैं कैनवस पेपर कट कर रही हूँ, और ये मूव का ढक्कन है जिसे चौक लगाकर मैंने थोड़ा जुगाड़ कर लिया है। इसकी मेजरमेंट पे मैं कैनवस कट करूंगी, तो मैं 2-3 कैनवस कट कर कर फैब्रिक ग्लू से चिपका रही हूँ ताकि वो ग्रिप अच्छा बना रहे। मेरा इयररिंग का साइज थोड़ा बड़ा है तो ग्रिप भी अच्छी होनी चाहिए। वैसे मोती मैं चिपका सकती थी फैब्रिक ग्लू से, लेकिन मैंने सोचा कहीं गिर जाएगा एक हाथ मोती, उससे अच्छा तो मैं स्टिच कर लेती हूँ। तो मैंने सारे मोती स्टिच कर लिए हैं। साड़ी का जो लुक बना है ना, आई एम इन लव विद माय लुक, जस्ट मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत बहुत खुश हूँ अपने लुक से। आप भी मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरा लुक कैसा लगा है, एंड डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, एंड यस मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर मेंशन है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना।